मेरा नाम वहीद अहमद है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया है और एज अ प्लेयर मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे एज अ साइकिलिस्ट। और 2016 में फिर मैं स्विगेस्ट को मैंने ज्वाइन किया और अभी तक मैं स्विगेस्ट में हूँ। 2013 में मैं फैसलाबाद में एक दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, हामद साहब नाम है उनका। उन्होंने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाया, तो जहाँ से मेरा साइकिलिंग का आगाज़ हुआ। 2014 में फ़र्स्ट टाइम मैं इंटरवर्सिटी खेला हूँ, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेला हूँ और उसी में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड, 2 ब्राउन और 2 सिल्वर लिए हासिल किए। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम वो इंटरवर्सिटी विन की थी। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी कभी भी फर्स्ट नहीं हुई थी। फ़र्स्ट टाइम मैं 2014 में आया तो वो विन की पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और उसके बाद फिर 2016 तक मैं इंटरवर्सिटी खेलता रहा हूँ और इस दौरान मेरे तकरीबन 12 से 13 गोल्ड हैं इंटरवर्सिटी के और इसी तरह कुछ ब्राउन्स हैं मेरे 7-8, सिल्वर भी मेरे हैं 8-10। और फिर 2016 में लास्ट टाइम जब मैंने इंटरवर्सिटी खेली तो उसके बाद मैंने स्विगेस्ट को ज्वाइन किया। 2015 में नवंबर में पूरे पाकिस्तान का मैंने टूर लगाया। ये पंजाब पाकिस्तान चाइना बॉर्डर से मैंने स्टार्ट किया साइकिल और 500 सूबों से होते हुए कराची, गवादर से बैक कराची पे जाके मैंने मज़ार-ए-कायद पे ये फिनिश किया। और तकरीबन ये 25 दिन का टूर था मेरा और 4,500 किलोमीटर तकरीबन ये मैंने साइकिल चलाई। टूर दी पंजाब मैंने खेली है 2007 जब मैंने गोल्ड किया है और रिकॉर्ड किया है, उसके चंद दिन बाद ही टूर दी पंजाब थी। तो टूर दी पंजाब में मेरा वहाँ भी एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया था। लेकिन वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन रही। वहाँ पे डाउन हिल पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्पीड मेरी मेरे साइकिल की रही है 84। सबसे ज़्यादा उस रेस के अंदर जो डाउन हिल पे स्पीड थी वो मेरी थी 84। साइकिलिंग में स्पेशलिटी मेरी ये थी कि मुझे शुरू से ही शौक़ था स्प्रिंटर बनने का। और मेरा एक बहुत ही मुखलिस दोस्त है ज़िशान, जिसके साथ मैं स्प्रिंट्स की तैयारी करता था और मेरे से 1 साल पहले वो उसने नेशनल गोल्ड किया था इसी लैप रेस में। तो वो पाकिस्तान का बेस्ट स्प्रिंटर था उस वक्त, तो उसी के साथ मैंने ट्रेनिंग की ज़िशान के साथ। तो अगले साल फिर मैंने उसी में रिकॉर्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं स्प्रिंटर था और स्प्रिंटर ही रहना चाहता हूँ। मेरी साइकिल अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है। बस ये हर इंसान की अपनी फेवरेट गेम होती है। साइकिलिंग तो मेरा इश्क है, जुनून है। और मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को, ख़ास तौर पे ज़िशान को, कहा करता था कि वर्ल्ड चैम्पियन जो है मार्क कैवेंडिश, इसके साथ मैंने स्प्रिंट लगानी है कहीं जाके। तो साइकिलिंग मेरा पैशन है और मेरा यही सब कुछ है। और अभी भी मेरा मतलब कि मैं हारा नहीं हूँ साइकिलिंग में। मैं स्टार्ट में जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की ना बिल्कुल ज़ीरो से, तब मैं सोचता था कि ये नेशनल गोल्ड जो पहनते हैं कि कभी मैं भी गोल्ड हो सकता हूँ नेशनल के, नहीं, मैं सोचता था कि काश मैं भी कभी नेशनल गोल्ड बनूँ। तो इसी तरह बस अल्लाह ताला से दुआ थी, मेहनत की। बाकी माली तौर पे तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया मेरा और कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया। इसी तरह तो बहुत मेहनत की और फिर मैं नेशनल गोल्ड मैंने किया। ये हमारा एक्सीडेंट, मैं और मेरा दोस्त निशान अली, हम नेशनल चैम्पियनशिप आ रही थी, रोड चैम्पियनशिप, उसकी तैयारी के लिए, लॉन्ग ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर गए, वहाँ पे स्टे किया। नेक्स्ट अगले दिन हम वापस आ रहे थे तो शेखुपुरा में अचानक ज़्यादा धुंध हो गई और हम डायरेक्ट हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम इनडायरेक्टली 2 ट्रक जो हैं उनका एक्सीडेंट आपस में हुआ, तो इनडायरेक्टली हम उनके साथ हिट हुए और हम दोनों जो है डैमेज हो गए। जब मैंने फ़ोन सुना उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूँ क्या। तो 1-2 मेरे दोस्त हैं जिनका फरमान है, एक का नाम इमरान है, सबसे पहले मैंने उनको कॉल की तो उनको सारा बताया। उसके पास गाड़ी थी, वो कहता कि तुम कनार रोड पे पहुँचो तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे तुम्हें मिलता हूँ। अब मैं बाइक लेके निकला हूँ कनार रोड की तरफ, तो मेरे से बाइक नहीं चल रही। वो फ़ोन आया था उस वजह से मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा यार बाइक नहीं मेरे से चल रही, मैं फलां जगह खड़ा हूँ, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे आ गए, हम वहाँ से निकले हैं तो एक शेखुपुरा का हमारा दोस्त है आतिफ, मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा यार जनरल हॉस्पिटल में बाइक ले गए हैं, आप वहाँ पे पहुँचे। तो वो वहाँ पे पहुँच गए, उसके वालिद साहब के साथ वो भी चले गए। उनका मुझे फ़ोन आता है कि इनके हालात थोड़े से सीरियस हैं, तो इनको उन्होंने रेफ़र कर दिया जनरल हॉस्पिटल लाहौर के लिए। तो 1122 की हमें आवाज़ भी आ रही थी एम्बुलेंस की, तो कहते कि हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, आप डायरेक्टली लाहौर आ जाए। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों बेहोश हो गए, हमें दोनों को कोई पता नहीं। तो 1122 वाले हमें उठा के लेके गए हैं। तो ज़िशान को तो बज़ाहिर ज़िशान को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चोट आई है, लेकिन वो कुछ दिन बाद होश में आ गया और स्टेबल हो गया। लेकिन मैं ICU में तकरीबन 9 से 10 दिन रहा हूँ और मुझे 7-8 दिन तक कोई पता नहीं, मैं वेंटिलेटर पर रहा हूँ, 4 से 5 दिन वेंटिलेटर पर रहा हूँ। मुझे चोटें बहुत ज़्यादा आई थी, मेरे अभी तक 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरी बाजू टूट गई थी, मेरे चेस्ट में यहाँ पे सुराख करके यहाँ पे ऑपरेट किया, बेड सोर्स हो गए थे, उसकी सर्जरी हुई। और बाजू का मेरा 2 बार ऑपरेट हुआ। और अभी मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है T3 T4 T5 का प्रॉब्लम है, उसका अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। वो ऑपरेट जो है वो काफ़ी महंगा इलाज है, एक तो महंगा इलाज है, दूसरा वो कोई डॉक्टर उसको हाथ नहीं डाल रहा अभी तक ना, क्योंकि ये जब मेरा ऑपरेट होना चाहिए था तब हुआ नहीं, तो लेट हो गया। लेट होने की वजह से ऑपरेशन फिर हुआ नहीं मेरा, और अभी उस ऑपरेशन ना होने की वजह से मैं पैरालाइज हूँ। और उम्मीद है कि अगर मेरा ये ऑपरेट होता है तो मेरे चलने के चांस बहुत ज़्यादा है। फ़ोन पे मैं उनसे पूछता रहा हूँ कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। उन्होंने कहा कि यार बेहोश हैं वो दोनों, तो हमें नहीं, अब वहाँ पे जाएंगे तो पता लगेगा। हम जब जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी में पहुँचे हैं तो अल्लाह ताला जज़ा दे, इनके जो साइकिलिस्ट दोस्त हैं उनको भी पता लग गया था। तो वो हमसे पहले वहाँ पे लाहौर वाले जो इनके साइकिलिस्ट थे दोस्त, वो वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो उनकी ट्रीटमेंट जारी थी। वहीद साहब के साथ इनके दोस्त ज़िशान अहमद, वो भी फैसलाबाद से, उनका साथ एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ एमरजेंसी में हम गए हैं, हमने देखा। तो उस वक्त मैं भाई को देखने के बाद मैं ज़िशान साहब के पास गया हूँ, इनके दोस्त के पास। उनके हालात हमें ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे, उनके काफ़ी चोटें मुंह पे भी आई हुई थी, ब्लड निकल रहा था मुसलसल नाक में से, कान में से। तो मैंने 2 दोस्तों को कहा कि आप भाई के पास रहो, तो मैं ज़िशान के पास जा रहा हूँ, वो सीरियस है। तो उसी तरह से फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए। जनरल हॉस्पिटल में आपको पता है क्रैश बहुत होता है, तो भाग दौड़ हमारी लगी हुई थी। अल्लाह ताला जज़ा दे, वहाँ पे 1-2 डॉक्टर थे जानने वाले, हमने उनको फ़ोन किया, वो आ गए वहाँ पे, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए। फिर उनको रिपोर्ट हमें अगले दिन मिलनी थी, तो भाई को उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया न्यूरो के। तो रात के वक्त करीबन 3-4 बजे इनको सांस आना बंद हो रही थी, इनकी सांस। मैं उधर गया तो उन्होंने इसको ना ऑक्सीजन लगा दी, मगर ऑक्सीजन के अंदर भी इनको सांस सही नहीं आ रहा था। मैं दोबारा गया हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आगे चेक किया तो उन्होंने कहा इसको तो फौरी तौर पे ICU में शिफ्ट करें। वहाँ से फिर ICU में ले गए, वहाँ पे इनको लेके गए हैं तो ये बेहोश हो गए। इनको फिर 8 दिन के बाद होश आई। 8 दिन के अंदर जब भी हम डॉक्टर से पूछते थे कि डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है, तो वो कहते थे सिर्फ दुआ करिए। अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ बताऊँ। इस वक्त मैं जो बैठा हूँ, मुझे अभी जब मैं बैठा हूँ व्हीलचेयर पर मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है। 10 से 12 गोलियाँ टैबलेट्स हैं जो मैं रोज़ाना खाता हूँ। वो दवाई खाने के बाद कुछ देर के लिए मैं 3 से 4 घंटे मुझे सुकून रहता है। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है तो मुझे शदीद तकलीफ़, पसीना और बहुत ऐसी उलझन होती है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। अभी जब नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो मेरे जो साथ के कोलीग हैं वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, वो मुझे सब बता रहे होते हैं और मेरे वीडियोस भी आ रही होती हैं, मैं देख रहा होता हूँ। तो मैं बेड पे पड़ा ही मुझे जोश आ रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पे होता तो मैं इनको हराता, इनसे जीतता, इनसे आगे निकलता। जो आजकल के नए लड़के आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो उनको देख के मुझे जोश और जज्बा तो बहुत आता है, लेकिन इंसान बेबस है। अल्लाह ताला के जो हिकमत है वो अल्लाह ताला बेहतर समझता है। यंग साइकिलिस्ट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस एक्सीडेंट की वजह से वो पीछे ना हटें और ये ना समझें कि साइकिलिंग की वजह से ये हो जाता है। हज़ारों लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हुए जिनकी डेथ हो जाती है, जिनके वैसे रोड पे पैदल चलते हुए जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, तो साइकिलिंग को लेके ये मत सोचें कि साइकिलिंग की वजह से इस तरह बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और बंदा नाकारा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचें। तो साइकिलिंग ये तो एक एक्सीडेंट था, वो किसी के साथ भी हो सकता है, मोटरसाइकिल वाले के साथ हो सकता है, गाड़ी वाले के साथ हो सकता है। लोग हज़ारों लोगों के रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, तो इस वजह से कोई भी हौसला ना हारे। मैं इस कंडीशन में भी हौसला नहीं हार रहा और मैं तो कहता हूँ कि मैं कल ठीक हो जाऊँ और मैं दोबारा से साइकिल पर चढ़ूँ और मैं दोबारा से साइकिलिंग स्टार्ट करूँ। इसलिए जो यंग साइकिलिस्ट हैं वो मेरी तरफ देख के बजाय पीछे हटने के आगे बढ़ें, क्योंकि और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, इस साइकिलिंग को इसमें बेस नहीं बनाना चाहिए। Pakbicycle.com का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं अपनी अचीवमेंट्स और अपने बारे में कुछ बता सकूँ। अल्लाह ताला हमको जज़ा दे, अल्लाह ताला हमको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह।